जय गौ माता, जय टीसी बीटी, जय गुरु संचारा चंद्र जी, जय राम जी की। वो वावरी वाला नजीक हाईवे के नजीक चौकरी के पास खेत है ना, वहाँ खेत है, वहाँ भी खाद नहीं डाला। और ऊर्जा डन का जो गुरु जी बताता है नैनो टेक्निक, एकड़ का 20 लगाने का, अब इसका महत्व में समझ गया। देखो वही ऊर्जा डन लगाया, वो पौधा देखो फुल टाइट केरा हो गया, और इसके साथ दूसरा देखो डूंगर भी टाइट हो गया। दूसरा जो कच्चा है, छोटी छोटी खेल भी बहुत बढ़ गई है पेड़ भी, और वहाँ गंदगी किसा हो रही है मेरी। देखो परसों अमावस्या गई ना, तो मैं गंदगी किसा कर गया था इधर परसों, दामाद के वहाँ गया था ना अदरक में करने के लिए वहाँ। और रेखराम भैया बोल रहे हैं कि ऊर्जा डन एकड़ का 20, तो एकड़ का 20 लगाते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। देखो वो ऊर्जा कनेक्टिविटी होती है धरती माता से, और इसका परिणाम ही इधर दिखता है। देखो वो दो लुंगर टाइट है, इससे पहले लुंगर निकल पड़ा था, इतना बड़ा टाइट नहीं हुआ। देखो मैं आगे बताता हूँ, इससे पहला भी पड़ा था। वो खेत में बहुत खराब विटी आती है, सब लोग खराब कार्य करता है, इधर शराब पीता है। कोई खेत न तक कर रहा था, पर अब ओछा हो गया, नहीं आते। सब पकड़ निंगल पर गया। अब गुरु जी की नैनो टेक्निक मारूंगा। वो लुंगर पहले निंगल पर रहा था, देखो मैं वो वहाँ आया, पर इतना टाइट नहीं है वो दोनों लुंगर। देखो टाइट नहीं है, वो भी टाइट नहीं है, थोड़ा कच्चा है। ऊर्जा डन का फर्क पड़ता है, ऊर्जा डन जितनी नज़दीक नज़दीक लगाते इतनी जमीन वैली पॉजिटिव और माइक्रोन्यूटन टोटल चंद्रमा का हस्तकर का नक्षत्र पर जो वायुमंडल में गतिविधि होती है उसका किरण धरती माता को ग्रहण करती है। धरती माता उसकी में जिंक आयरन बोरन कैल्शियम जो भी होगी वो इसका जीवाणु तरफ कैचअप कर लेगा। जय गौ माता, जय टीसी बीटी, जय गुरु चंद्रा चंद्र जी, जय राम जी की। ऊर्जा डन बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।